A very good day to everyone. Today I'm at the Warsaw Airport and I'm traveling to Madrid. It's gonna be a wonderful ride, so I want you all to enjoy with me. And after Madrid, I'll be traveling to... It's a surprise, so it will come soon. Please locate emergency exits to the front, to the center, and to the rear. फाइनली मैं मैड्रिड आ गया हूँ एंड यहाँ से मैं अभी ढूंढ रहा हूँ ट्रेन स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से मैं जाऊँगा सेंटर ऑफ द सिटी. सेंटर ऑफ द सिटी से मैं देखूँगा कि नेक्स्ट बस मलागा के लिए कौन सी अवेलेबल है. अगर नहीं अवेलेबल है तो होटल बुक करेंगे, और अगर अवेलेबल है तो प्रॉबेबली मलागा के लिए सफ़र अपना जारी करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा मैड्रिड भी घूमेंगे, क्योंकि मैं मैड्रिड पहली बार आया हूँ, तो यहाँ का ओल्ड टाउन घूमेंगे और यहाँ का कुछ कल्चर पढ़ेंगे, कल्चर देखेंगे और पढ़ेंगे भी. मैं अभी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन पे रुका हूँ ताकि इनसे थोड़ी इंफॉर्मेशन लूँगा कि सिटी के अराउंड कैसे जा सकते हैं, एंड इनसे एक मैप भी लेना है सिटी का, जिससे कि थोड़ा बहुत सिटी के बारे में देख सकते हैं एंड हाउ टू गो अराउंड द सिटी. क्योंकि मेरे फ़ोन बैटरी अगर मैं यूज़ करूँगा, फ़ोन डेटा यूज़ करूँगा, तो इट विल बी हैवी ऑन मी. इसीलिए इट्स बेटर टू गेट अ मैप. बेहतर है कि एक मैप लेके और उससे टहला जाए थोड़ा सा एंटिक तरीके से. तो फाइनली मैंने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन से बात करी और उन्होंने बताया कि इट इज़ बेटर टू टेक अ बस दैन टेकिंग अ ट्रेन. तो मैं बाहर आया हूँ एंड आई विल बी टेकिंग एन एक्सप्रेस बस. एक्सप्रेस बस है यहाँ से जो कि डायरेक्ट जाती है सेंट्रो. सेंट्रो पे अभी मेरे पास एक मैप भी दिया है सिटी का, एज वेल एज अ बुकलेट जो कि मुझे एज अ गाइड काम करेगी. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. एंड बेसिकली मेरा पहला एक्सपीरियंस है जबकि मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ विदाउट अ कंपेनियन, ऑल अलोन बाय माई सेल्फ. सो इट इज़ अ बिट एक्साइटिंग फॉर मी. लेट्स सी हाउ इट गोस. ओके, मैं यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और मैं एक्सप्रेस बस का इंतज़ार कर रहा हूँ एंड अभी तक नहीं आई है. पब्लिक काफ़ी जमा हो गई है यहाँ पे, तो मुझे लगता है काफ़ी भरी हुई बस रहेगी. ये आ गई हमारी एक्सप्रेस बस, और मेरे ख़्याल से टिकट की लाइन में लगना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा. 5 यूरो का एक टिकट है
सो इट शुड बी गुड। बस काफ़ी भरी हुई है, बहुत से लोग हैं। तो फाइनली मैं आ गया हूँ मैड्रिड के अचोटा बस स्टेशन पे। ये यहाँ का सबसे पुराना स्टेशन है एंड अब हम यहाँ से जाएंगे, देखेंगे दो तीन चीज़ें। ये जो अंडरग्राउंड पास गया है, जो सर्किल में बना हुआ है, ये ट्रेन स्टेशन है। अगर आपको एयरपोर्ट से आना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं। अब हम यहाँ से एक डिटूर लेंगे, पूरे सिटी का जगह देखेंगे एंड उसके बाद हम राउंड लेके वापस आएंगे, क्योंकि शाम में हमारी यहाँ से बस होएगी जो कि मलागा के लिए होएगी। बहुत ही खूबसूरत है पूरा स्टेशन के अंदर, यहाँ पे जंगल बना के रखा है जो कि एक औसम नज़ारा है। मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ कि कुछ खाने को मिलता है तो खाता हूँ और थोड़ा सा रिफ़्रेश होता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ। यहाँ पे तो बड़ा शोरगुल है। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने ये ग्रीन गार्डन जो कि मेंटेन करके रखा है एक शेड के अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। एंड यहाँ पे लैम्प पोस्ट एक पूरा गलियारा बना के रखा है बेसिकली। मैं थोड़ा सा कुछ खाता हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख और मेरी आवाज़ की खनक भी कम हो रही है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्योंकि मैं हूँ बजट ट्रैवल पे, इसीलिए मैंने कुछ अपने लिए ख़ास नहीं ऑर्डर किया है, बट आई हैव ऑर्डर्ड अ टूना सैंडविच विथ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी से मैं थोड़ा रिचार्ज हो जाऊँगा, मेरी भूख मिटानी है तो इस वजह से थोड़ा भूख मिटा लेते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। फाइनली आई फील फुल, बट कॉफ़ी एकदम जहर हो रही थी, पीते ही उसने जो है एकदम जगा के खड़ा कर दिया। सो फीलिंग गुड नाउ एंड निकलते हैं स्टेशन से बाहर, देखते हैं क्या क्या है। At the moment I think I'm lost. What I'm looking for is Parc de El Letiro. So which has a few monuments and few museums inside it. Behind me is also an amazing some kind of a great building which is for some study and cultural stuff. There are a lot of such buildings around. So little bit glimpses of each one of them, and behind me it's a very beautiful sight. Historically मैंने कई जगहों पर देखा है अपने ट्रैवल्स पे कि मछली को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। कई जगह पे मछली दिखाई जाती है एंड स्टैचूज में भी मछली बनी होती है, जैसे कि हमारे लखनऊ में एक मछली का, खासकर कैटफिश का, बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। अब आई वंडर कि ऐसा क्यों है, बट मछली शायद कोई बहुत ही अद्भुत चीज़ मानी जाती होगी इन द ओल्ड डेज। सो या कई जगह पे मैं देखता हूँ स्टैचूज में मछली खासकर बनी होती है। यह है म्यूज़ियम नेशनल नेशनल दे प्रादो। तो फ़िलहाल यहाँ पे फ्री एंट्री बंद हो चुकी है एंड इसका टिकट भी दूसरे साइड से लेना पड़ता है जाके। तो हम यहाँ जाने के अलावा जो है अब हम वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स जो कि हमारा मेन गोल है, पार्क दे एल रेतेरो।
ये है यहाँ का फ्यून तो दे नेपच्यून, काफ़ी खूबसूरत है। कैमरा जो है वो असल चीज़ को नहीं कैप्चर कर पाता है, असल चीज़ जो है वो आपको फील करनी होती है। ये यहाँ की अमर जवान ज्योति है, ये है यहाँ का फोंटानो दे सिबिलिस। काफ़ी फेमस है ये। अनदर म्यूज़ियम यहाँ का, बट कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट दिस म्यूज़ियम। बट एज़ यू कैन सी जो नक्काशी की गई है, और बेसिकली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो देखते हैं इसके अंदर एंट्री कैसे ली जाती है और क्या करना है। एंट्रेंस एंट्राते है।